हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? दोस्तों चलिए आज हम ग्रैंडपा को इसी आज हम ग्रैंडपा को किल करेंगे और ग्रैंड मदर को भी इसी में किल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम गेट को खोल लेते हैं और बाहर निकलते हैं कि बाहर देखते हैं। हमें बहुत सावधानी से निकलना पड़ेगा और हम अब ये गेट खोलेंगे और देखेंगे कि अंदर ये क्या रखा हुआ है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि गेट खोलने के बाद हम ये देखिए ये देख सकते हैं कि ये गुड्डा था जो कि एक गुड्डा था। अब हम बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल के देखेंगे आज हमें गन को किसी न किसी तरह से ढूंढना है और हमें किंग ग्रैंडपा को मारना ही पड़ेगा। दोस्तों आज हम इसी वीडियो में ग्रैंडपा को मारेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप भी देख सकते हैं ये एक कोचिन नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये पिक एंड ड्रॉप ऑप्शन है, इसमें एक लकड़ी का तख्ती है और हमने गेट खोल के अब हम फिर तुरंत के रास्ते से बाहर जाएंगे और देखेंगे कि बाहर ग्रैंडपा है कि नहीं। दोस्तों और अब हम दूसरी तरफ से जा रहे हैं, सुरंग से अब हम बाहर निकले हैं और हम दूसरी तरफ जाएंगे और देखेंगे कि ग्रैंडपा कहाँ पर हैं। तो हम बहुत सावधानी से बहुत धीरे धीरे निकलेंगे और देखेंगे, जैसे कि आप भी देख सकते हैं कि अब हम आ गए हैं इधर की तरफ। ये देखिए कुछ दिखा रहे हैं, समथिंग इज मिसिंग दिखा रहे हैं और ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर है। और हम दूसरी तरफ निकलेंगे कहाँ पर ग्रैंडपा है और हम जाएंगे और अंदर हम सब रिसर्च करेंगे कहाँ पे गन है कि नहीं इसमें। तो सब हम दूसरी तरफ निकल आए हैं और देखेंगे कि इस कमरे में भी गन है कि नहीं। तो अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि गन कहाँ पे है। अब हम अंदर की तरफ तो आ गए हैं और देखेंगे कि ग्रैंडपा के आने की आवाज़ लग रही थी, वजह से हम बाहर निकलते हैं। फिर अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे ग्रैंडपा आ दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे अंदर जाएंगे जिसमें कि हमें ग्रैंडपा से भी बच के चलना है। और अब हम ये गेट को तोड़ देंगे और अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। मैं अब जीने से चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ, दूसरी तरफ ऊपर मैं सबसे ऊपर जा रहा हूँ जहाँ जहाँ से मैं आ चुका था। अब मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ जहाँ पे आप भी देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे इसके अंदर ये कि किसी भी ये दराज को मेरे खोल के चेक कर लिया। अब हम दूसरे फ्लोर पर जाएंगे और सबसे ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर किसी तरह का कोई क्लू है कि नहीं। दोस्तों अब हम गेट को अंदर आ गए हैं और देखेंगे कि यहाँ पर ये जैसा कि यहाँ पे गोली रखी हुई है लेकिन बंदूक नहीं मिल रही है, जैसा कि मैंने दराज में भी देखा लेकिन गोली नहीं है। और आप भी देख सकते हैं दराज के अंदर गोली नहीं है। और हम दूसरी तरफ जाएंगे और सबसे ऊपर ये देख लीजिए, ये अभी कुछ रखा हुआ है। और अब मैंने दरवाजे को बंद कर दिया, अब हम इधर से नीचे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ मिला ही नहीं। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे और देखेंगे कि गन कहाँ पर रखी हुई है। गन को हमें किसी न किसी तरह से गन को ढूंढना पड़ेगा हमें ग्रेनेड को मारने के लिए। अब हम फिर आगे जा रहे हैं, अब हम इस गेट को खोलेंगे। मैं धीरे धीरे गेट को ओपन कर रहा हूँ। ये गेट खोलने के बाद हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या रखा हुआ है। तो अंदर ये एक मशीन लगी हुई है जिसमें लिखा है इट डजेंट वर्क, आई नीड अ कॉइन, जिसमें कॉइन से चलेगी। अब ये हम नीचे जा रहे हैं और देखेंगे कि और हर तरफ हमें सर्च करना पड़ेगा, देखेंगे कि कहीं बंदूक तो नहीं रखी हुई है क्योंकि ग्रैंडपा को मारने के लिए हमें बंदूक का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि अब हमने फ्लैश कर दिया है और अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। ये ग्रैंडपा का रूम है। अब फ्लैश से अब हम दूसरी तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। जैसे इस कमरे में भी कोई ख़ास चीज़ें नहीं रखी हुई है, ये सोफ़ा पर रखा हुआ है, कोई ख़ास सामान नहीं है। जैसे कि अब हम दूसरी तरफ ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि कहीं ऊपर तो नहीं रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पर भी गन रखी हुई है, गोली रखी हुई है लेकिन गन नहीं मिल रही है। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, अब हम सबसे ऊपर जा रहे हैं, देखें कि वहाँ पर तो नहीं कोई सामान रखा हुआ है किसी भी तरह का। देख लीजिए जैसे कि ये चेयर देख सकते हैं लेकिन इसमें भी कोई क्लू नहीं है। और दूसरी तरफ इसमें भी कोई किसी तरह का क्लू नहीं है। तो एक झूला है वो पुराना, जैसा कि यहाँ पर कोई भी तरह क्लू नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अब हम दूसरी तरफ भी जाएंगे और देखेंगे कि कहीं दूसरी तरफ कोई क्लू है कि नहीं। तो जैसे कि आप भी देख सकते हैं इधर बीच में लकड़ी टूटी हुई है, अब हमें इसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा हमें दूसरी तरफ जाने के लिए। जैसा कि आप भी देख सकते हैं ये जाने का कोई रास्ता नहीं है इधर से, तो हमें भी फिर वापस जाना पड़ेगा और हम दूसरी तरफ फिर जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या है। जैसा कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, क्लू नहीं है, इधर से निकलने का कोई तरीका नहीं है। हमें गन भी नहीं मिल रही है, गन का कोई क्लू नहीं मिल रहा है इधर। अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या है। और हम ये यहाँ उधर से गिर गए हैं जिसमें उधर लगे ना होने की वजह से हम गिर गए हैं। मैं अब अंदर आ चुका हूँ, अब हम लिफ्ट से नीचे चलेंगे ना, यहीं कुछ मिलने पर अब हम लिफ्ट से नीचे चलेंगे। मैं लिफ्ट से नीचे आ चुका हूँ,
अब हम अंदर से सब सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये दराज में भी कंपाउंड में भी कुछ नहीं है। और अब हम देखेंगे कि आप ये अंदर भी किचन में भी कुछ किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं है। नहीं, यहाँ पर तो कोई सिर्फ रखी हुई दराज के अंदर, और गन तो कहीं पर भी नहीं मिल रही है हमें। और ये अंदर हम लिफ्ट में आ चुके हैं, ऐसे बाहर निकलने में ग्रैंड पा में मार देंगे, इसी वजह से हमें ग्रैंड पा से छुप के जाना पड़ेगा। इसमें हम लास्ट तक बचे रहे हैं, जैसे कि अब हम बाहर निकल के देख रहे हैं ग्रैंड पा जा चुके हैं, तो अब हम दूसरी तरफ जाएंगे और हम सर्च करेंगे, लेकिन ग्रैंड पा से हमें बच के जाना पड़ेगा, नहीं तो ग्रैंड पा हमें किल कर सकते हैं दूर से, क्योंकि हम ग्रैंड पा को कुछ कर नहीं सकते हैं, ग्रैंड पा में मार सकते हैं। तो अब हम दूसरी तरफ देखेंगे कि और हमें अंदर जाना, और हम अंदर सर्च करेंगे कहीं पर कोई क्लू मिल रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप भी देख सकते हैं अंदर किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिल रहा है, और ये अंदर हम हर तरफ सर्च कर रहे हैं, ऐसा कि दरवाजे पर भी हम सर्च कर रहे हैं, लेकिन अंदर कोई भी तरह का क्लू नहीं मिल रहा है। जैसा कि हम इधर सोफे पर भी चेक कर रहे हैं, और हम दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, अब हम छत पर जाकर देखेंगे कि ऊपर कोई क्लू है कि नहीं, कि घर मिल रही है कि नहीं। तो अब हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिल रहा है, और हमें किसी न किसी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्रैंड पा को क्लू करने के लिए हमें किसी न किसी को ढूंढना पड़ेगा घर को। अब हम दूसरी तरफ आ गए, अब हम बाहर आ गए हैं, यहाँ पर भी हम सर्च करेंगे कि ये गन यहाँ पर तो नहीं है। जैसे कि हम कार में भी देख रहे हैं कि कार पुरानी इसमें कोई गन तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर गोली रखी हुई है पर, लेकिन इसमें इसके अंदर गन नहीं है। और अब हम दूसरी तरफ जाएंगे और देखेंगे, अब हम कार को हर तरह से सर्च करेंगे कि किसी दूसरी तरफ गन तो नहीं रखी हुई है। अब हम इधर सर्च करेंगे पूरी तरह से कार के बोनर को भी हमने खोला, लेकिन इसके अंदर भी गन नहीं है। और अब हम दूसरी तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कहीं दूसरी तरफ तो गन नहीं है। दोस्तों अब हम दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, और हम दूसरी तरफ भी जाएंगे और देखेंगे कि कहीं वहाँ पर चले गए ये घर के अंदर, या यहाँ पर कोई की मांग रही है, शिट की कोई मांग रहा है, इसके अंदर कोई दरवाजा तालाबंद, दरवाजे में तालाबंद होने की वजह से शिट की कोई मांग रहा है। और ये देखिए ये क्या बना हुआ है, गर्दन काटने की मशीन ये बनी हुई है, जो कि इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे कि चलने लगी बटन दबाने से चलने लगी। अब हम इसके अंदर भी कोई इधर भी कोई खास क्लू नहीं मिल रहा है, हम दूसरी तरफ जाएंगे अंदर देखेंगे कि कहाँ पर क्लू मिलेगा कि नहीं। अब हम अंदर फिर दरवाजे से अंदर आ गए हैं, और अंदर आने के बाद अब हम फिर देखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आ रही है, ऊपर जाने के बाद फिर हम पूरी तरह से सर्च करेंगे यहाँ पर कुछ मिल रहा है कि नहीं। और हम आ गए हैं ऊपर, और ये तो तीसरे मंजिल पर जा रहे हैं, ऊपर देखेंगे कि किसी भी तरह का कुछ है कि नहीं। हम आगे ऊपर फिर बटन दबा के फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, पूरी तरह से ऊपर जैसे कैमरे देख लिया, इधर से जाना पड़ेगा, ये तो गेम को हमें मार देंगे, किल कर देंगे, इसी वजह से अंदर आ गया और तीन दिन चले जा रहे हैं सोचने की वजह से। तो हम ऊपर जा रहे हैं और देखेंगे ऊपर गैर पाए कि नहीं, क्योंकि इससे अभी देख सकते हैं गैर पा तो अभी नहीं है। तो अब हम फिर से इसी जगह पर आकर फिर से हम सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई क्लू घुस तो नहीं गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई क्लू तो नहीं अभी है, लेकिन अब हम पूरी तरह से देखेंगे कि कोई क्लू छूट न जाए, लेकिन क्योंकि हमें गन अभी नहीं मिल रही, जैसे कि वो भी कोई सामान है, और हम देखेंगे कि वो कौन सा सामान है। और हम दूसरी तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हम फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं, देखेंगे कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं और हम झूले की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कहीं झूले के अंदर तो नहीं कुछ है। Thank you.